Hello friends and very warm welcome to Chiki's Biology, another video tutorial. In this video tutorial today we will discuss about key pharma company QC microbiologist jobs are good or bad. आज हम लोग इस अपने टॉपिक पे बात करेंगे. बहुत सारे स्टूडेंट्स की, बहुत सारे फॉलोवर्स की, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की पिछले कई दिन से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर अगर हमने अपना कोई BSc माइक्रोबायोलॉजी कोर्स किया है या BSc लाइफ साइंसेस कोर्स किया है तो क्या हम लोगों के लिए फार्मा कंपनी की जॉब करना सही रहेगा, क्या हम लोगों को जो है QC माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जॉब करना सही रहेगा, क्योंकि फार्मा QC कंट्रोल में जो है, फार्मा QC कंट्रोल डिपार्टमेंट में जो है एक माइक्रोबायोलॉजी का सेक्शन होता है. और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे जो है BSc कोर्स करने के बाद जाना चाहते हैं या MSc कोर्स करने के बाद आप लोग यहाँ पे जाना चाहते हैं, MSc माइक्रोबायोलॉजी कोर्स करने के बाद जाना चाहते हैं, तो ये जो पॉइंट्स मैं आज आप लोगों के साथ में जो डिस्कस करूँगा इन सभी पॉइंट्स को आप लोगों के लिए यहाँ पे समझना व जानना व अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशल है. और इन सभी पॉइंट्स को आप लोग अंडरस्टैंड करने के बाद तभी आप लोग जो है उस फार्मा कंपनी की जो QC माइक्रोबायोलॉजिस्ट की पोस्ट है उस पर आप लोग काम करने का सोचें. मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पे जो सैलरी में इंक्रीमेंट होता है वो बहुत ही कम होता है, आप लोगों का वहाँ पे प्रमोशन नहीं होता, वहाँ पे जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो है. और एक पॉइंट और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए ये बेस्ट रहेगा अगर आप लोगों को जो भी करना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे फॉलोअर्स मुझे ये बोल रहे हैं कि सर मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो उतना अच्छा नहीं है, मैं आगे स्टडी नहीं कर सकता, मैं आगे नहीं पढ़ सकता, तो मुझे जॉब करना ही बेस्ट है. तो अगर आप लोगों को जॉब ही चाहिए, आप लोगों को आगे नहीं पढ़ना है, आगे फर्दर जो है आप लोगों को मास्टर्स नहीं करना, अगर आप लोगों ने अपना बैचलर्स कर रखा है और आप लोगों को मास्टर्स नहीं करना है, या मास्टर्स अगर कर रखा है, अगर PhD नहीं करना है, तो आप लोग जो है फूड इंडस्ट्री की जॉब में चले जाएं, ये आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट. बट आप लोग फार्मा कंपनी के क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की QC का जो सेक्शन होता है माइक्रोबायोलॉजी का, उसमें आप लोग बिल्कुल मत जाएं. और आप लोगों को और मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बता देना चाहता हूँ, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि वहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा. पूरे दिन आप लोग वहाँ पे ऑटोक्लेव चलाएंगे, पूरे दिन आप लोग वहाँ पे जो है मीडिया बनाएंगे और प्लेटिंग करेंगे और स्ट्रीकिंग करेंगे, उसके बाद आप लोग जो है उसको वहाँ पे डिस्कार्ड करेंगे. यही आप लोगों का पूरे दिन का वहाँ पे काम रहेगा. और यही काम आप लोग जब वहाँ पे 6 महीने कर लेंगे तो आप लोग जो है उस जॉब को खुद ही छोड़ देंगे. अगर उस जॉब के अलावा आप लोगों के पास में जो है और अच्छे अच्छे ऑप्शंस वहाँ पे खुल के आने लगेंगे, तो आप लोग जो है वहाँ पे बिल्कुल मत जाएं. अगर आप लोग अभी परेशान हैं, आप लोगों के पास में कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है, तो आप लोग जो हैं अभी फूड इंडस्ट्री की जॉब आप लोग कर लें. वहाँ पे आप लोगों को जॉब सेटिस्फेक्शन, गुड सैलरी, प्रमोशन, ये सभी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी. बट फार्मा QC कंट्रोल डिपार्टमेंट में जो माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन है वहाँ पे आप लोग मत जाएं, ये मेरा आप लोगों को पर्सनल सजेशन है. और यहाँ पे अगर आप लोग चले भी जाते हैं तो आफ्टर 6 महीने के बाद आप लोग इस जॉब को छोड़ देंगे, आप लोग जो है वहाँ पे बिल्कुल काम नहीं करेंगे. अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर वहाँ पे क्या कोई भी काम नहीं करेगा, वहाँ पे जो लोग अभी काम कर रहे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं जब वहाँ पे इतना बुरा एनवायरनमेंट है, इतना बेकार वहाँ पे जो है सिनेरियो है. तो इसका भी मैं आप लोगों का आंसर दे देता हूँ. फ्रेंड्स, वहाँ पे वही लोग काम कर रहे हैं जिनके पास में फर्दर आगे कोई ऑप्शन नहीं है, जिन लोगों के पास में कोई भी आगे के लिए सोचने का उनका कोई जो है करियर अपॉर्चुनिटी नहीं है, वही लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं. और आप लोग भी अगर वहाँ पे जाके फंस गए एक बार और आप लोगों को वहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया, 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया, तो आप लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाएगा स्विच करना वहाँ से. ये भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि फिर आप लोग ये सोचेंगे कि मैंने यहाँ पे अपने 2 साल लगा दिए हैं, मुझे 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया है, तो अब तो मुझे यहीं पर रहना है, मैं यहाँ से जा भी कहाँ सकता हूँ, मेरे लिए तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस बेकार हो जाएगा. तो फिर आप लोग भी ऐसे उन लोगों की तरह वहाँ पे फंस जाएंगे. तो स्टार्टिंग में जो है वहाँ पे जाके बिल्कुल मत फंसें. सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज एंड लेटेस्ट अपडेट.